हेलो फ्रेंड्स, मैं शेयर करने वाली हूँ आलू मटर की पूरी चावल के आटे में। तो ये मैंने धो के आलू कुकर में डाल दिया है बॉयल होने के लिए। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और डालेंगे तेल। तो तेल गरम हो गया है। ये देखिए हमारे खेत की मटर है, घर की मटर, हमारे खेत में मटर उगा हुआ था, तो बस इसको डाल देंगे तेल में। इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। आलू को बॉयल करके छील लिया है, अब इसको मैश करना है मैशर से। हरी धनिया की पत्ती कट कर ली है और मिर्च और ये हरा लहसुन है, इसको ग्राइंड करना है। और 10 मिनट हो गया है, इसको पक चुका है ये, इसको भी ग्राइंड कर लेना है। जिसमें मटर फ्राई किया था तो उसी में फिर से कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे। और तेल को गरम होने देंगे, और तेल जब गरम हो जाए तो डालेंगे जीरा, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे जीरा, और जीरा को चटकने देना है। जीरा चटक गया है तो ये जो पेस्ट बनाया हुआ है धनिया मिर्च और लहसुन का, उसको ऐड करेंगे। इसको दो से तीन मिनट तक पकाएंगे। वो मसाला पक चुका है तो डालेंगे ये पे हल्दी, इसको भी पकाएंगे। मसाला पक चुका है तो ये मटर को पीस लिया है, इसको भी इसी में ऐड करना है। इसको भी मिक्स कर लेंगे मसाले में और 2-3 मिनट तक इसको भी पकाएंगे। मटर पक चुके हैं तो अभी डालेंगे मैश किया हुआ आलू। इसको भी मिक्स कर लेना है, इसमें ऐड करेंगे ये पे नमक। नमक ऐड कर लेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी इसे। तो ये रेडी हो चुका है, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको 5 मिनट तक पकाया है तो ये पक चुका है, बस अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये चावल का आटा है, चावल के आटे को गर्म पानी से गूंथना है। गर्म पानी कर लिया है तो इसको गूंथेंगे, जैसे रोटी का डो बनाते हैं ना, बस वैसे ही इसको बनाना है। पूरी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है तो डाल देंगे इसमें सरसों का तेल, आपको जिस भी तेल में तलना हो, पर ये घर का सरसों का तेल हो तो हम ये इसी में तलेंगे। और ये गरम होने देंगे। चावल के आटे को गूंथ लिया है तो बस इसको इसका लोई बनाएंगे।
ऐसे बना लेंगे। फिर इसमें ये फिलिंग को डालना है, इसका मुंह अच्छे से बंद कर लिया है। अब इसको हल्के से हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे प्रेस करना है। इसमें चौका बेलना नहीं यूज करना है, नहीं तो फट जाता है। बस हल्के हल्के हाथ से इससे प्रेस करके देखिए बन गया है। तो तेल गर्म हो चुका है और ये पूरियां बना ली है, तो पूरियों को इसमें डालेंगे। पूरियों को चेक कर लेते हैं, ये पूरियों को पलट देंगे। पूरी को पकाते हुए 5 मिनट हो चुका है फ्राई करते हुए, तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ये। देखिए पक चुका है, तो बस एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं।